आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन ऑनलाइन खुद से कैसे कर सकते हैं। पैन कार्ड में ऑनलाइन कोई भी करेक्शन करने के लिए आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि उस पर एक OTP सेंड किया जाता है। इस वीडियो में जो मैं आपको प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, इस प्रोसेस से आप अपने पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। लाइक आपकी DOB में कोई मिस्टेक हो, चाहे कितना भी डिफरेंस हो, कितने भी साल का डिफरेंस हो, वो भी आप करेक्शन कर सकते हैं। या आपके नेम में, आपके फादर के नेम में कोई मिस्टेक हो, स्पेलिंग मिस्टेक, या फिर सरनेम ऐड ना हो या ऐड हो तो आप उसको हटाना चाहते हैं, ये सभी करेक्शंस आप इस प्रोसेस से अपने पैन कार्ड में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका या आपके फादर का फुल नेम डिफर है, वो आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप इस प्रोसेस से चेंज नहीं कर सकते हैं। उसका एक अलग प्रोसेस हो जाता है, उसके लिए आपको एक अनेक्सर फॉर्म लगाना होता है। तो अगर आपके केस में फुल नेम डिफर है, तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। बाकी अगर आप फुल नेम डिफर को छोड़ के आपके पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन है, बाकी और सभी करेक्शंस आप इसी प्रोसेस से कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक और बिना स्किप के देखिएगा, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने के साथ साथ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, tin-nsdl.com। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ऑनलाइन पेन सर्विसेज, इस पर ओके करेंगे। उसके बाद पेपरलेस पेन एप्लीकेशन, इस पर ओके करेंगे। अब आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर आपको अपनी कुछ डिटेल्स डालनी होती है। उसके बाद आपको अपना एक टोकन नंबर जनरेट करना होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ वही डिटेल्स डालनी है जो आपकी करेक्ट डिटेल्स मेंशन है आपके आधार कार्ड में और जो आप करेक्शन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप नेम करेक्शन करना चाहते हैं तो जो आपका करेक्ट नेम है वही करेक्ट नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना चाहते हैं तो DOB भी आपको यहाँ पर करेक्ट ही फिल करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी दी हुई है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट करेंगे, आप श्री हैं, श्रीमती हैं या कुमारी हैं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नेम और यहाँ पर मिडल नेम। अगर मिडल नेम और लास्ट नेम नहीं है, तब आपका जो फर्स्ट नेम है वही फर्स्ट नेम आपको यहाँ लास्ट नेम में डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप बताएंगे कि आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आप इसको यस करेंगे, यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर कंसेंट देंगे, इस बॉक्स को चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट करेंगे। टोकन नंबर हमारा जनरेट हो चुका है, आप इस टोकन नंबर को कहीं पर नोट करके रख लेंगे। अगर आपका बीच में कभी ब्राउज़र कट जाता है एप्लीकेशन को फिल करते टाइम, तो आप इस टोकन नंबर की हेल्प से अपने एप्लीकेशन को वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ से भी आपका ब्राउज़र कटता है। साथ ही ये टोकन नंबर आपकी ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको टोटल 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल पेपरलेस है, आपको इसमें कोई डॉक्यूमेंट ना तो अपलोड करना है और ना ही पैन अथॉरिटी को सेंड करना होता है। आपके आधार कार्ड में जो डिटेल्स होती है वही डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक फेच हो जाती है और आपका जो फोटो आधार कार्ड पर मेंशन होगा वही फोटो आपका पैन कार्ड पर प्रिंट किया जाता है। और सिग्नेचर करने के लिए आपको अलग से जगह दी जाती है जहाँ पर आप मैन्युअली सिग्नेचर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, तब आप फोटो, सिग्नेचर और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप इन दोनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP सेंड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तब आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर का होना ज़रूरी नहीं है, तब आपको यहाँ पर फॉर्म को कंप्लीट फिल करना होता है, उसके बाद प्रिंट निकालना होता है, उसके बाद उसको मैन्युअली फिल करके आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के पैन अथॉरिटी को सेंड करना होता है। सो हमारे केस में यहाँ पर आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक है, तो इसलिए हम पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और हमारे आधार कार्ड पर जो फोटो है वही हम पैन कार्ड पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। साथ ही हमें सिग्नेचर भी नहीं चाहिए, हम उसको भी मैन्युअली कर लेंगे। सो पहले वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल्स डालने की या डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप अपने पैन कार्ड पर आधार कार्ड वाला फोटो ही प्रिंट करवा सकते हैं तब आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। बट अगर आप अपने पैन कार्ड पर दूसरा फोटो अपडेट करना चाहते हैं और सिग्नेचर भी अपडेट करवाना चाहते हैं तब आपको दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तब आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप अपना नया फोटो एंड सिग्नेचर अपडेट करना चाहते हैं तब आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप अपना पैन कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो यहाँ पर हम पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको फिजिकल पैन कार्ड भी रिक्वायर्ड है तो आप इसको यस करेंगे, और फिजिकल पैन कार्ड नहीं चाहिए तो आप इसको नो करेंगे। यहाँ पर अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट डालेंगे, आधार कार्ड का जो नंबर है उसके लास्ट 4 डिजिट डालेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपके आधार कार्ड पर फोटो है वही आप पैन कार्ड पर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो इसको यस करेंगे। यहाँ पर आपका फुल नेम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको सिंपली जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, यहाँ पर सर नेम, यहाँ पर फर्स्ट नेम और यहाँ पर मिडल नेम। यहाँ पर आप मदर नेम भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम डालेंगे, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप फादर नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं अपने पैन कार्ड पर या फिर मदर नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको फादर ही सिलेक्ट रहने देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है समझने के लिए, आपको इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। अब देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर सिर्फ DOB करेक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको DOB के आगे एक बॉक्स देखने को मिलेगा जिसको आप टिक और अनटिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल्स है सभी के आगे आपको एक बॉक्स देखने को मिलता है जिसको आप टिक और अनटिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी करेक्शन करवाना चाहते हैं उस बॉक्स को आपको टिक करना होगा। जैसे कि हम DOB करेक्शन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको टिक करेंगे। अगर आप जेंडर करेक्शन कर रहे हैं तब आप इसको भी टिक करेंगे, और नेम करेक्शन कर रहे हैं तब यहाँ इस नेम को भी टिक करेंगे। तो आपको सिर्फ वही डिटेल्स को टिक करना है यहाँ पर जिसको भी आप करेक्शन करना चाहते हैं। फादर नेम करेक्शन करना चाहते हैं तब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, आप इसको भी यहाँ पर चेक करेंगे अगर फादर नेम करेक्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे केस में सिर्फ DOB रॉन्ग है, तो हम DOB ही करेक्शन करना चाहते हैं, इसको चेक करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर, ये दोनों ऑटोमेटिक चेक रहेंगे, दोनों आप इनको अनचेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप पैन कार्ड में कोई करेक्शन करते हैं तो आपका फोटो एंड सिग्नेचर हर बार नया अपडेट किया जाता है, तो इसको हम यहाँ पर अनचेक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स अच्छे से डालनी है, इसको चेक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले यहाँ पर कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप कंट्री का नाम डालेंगे तो कंट्री का कोड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड नंबर है पहले से अवेलेबल तो आप उन पैन कार्ड को यहाँ पर बंद करवा सकते हैं परमानेंटली। तो यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करना है, और जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैन कार्ड नंबर है उन सभी के नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा पैन कार्ड नहीं है, इसलिए हम इसको अनचेक रहने देंगे। साथ ही यहाँ पर आपको टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स अपडेट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों नए अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको भी चेक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट की डिटेल्स आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आधार कार्ड से अपना करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमारा आधार कार्ड सिलेक्ट है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड सिलेक्ट है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी हमारा आधार कार्ड ही सिलेक्ट है, और इसको हमें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक जो हमारा डाटा है आधार कार्ड में वो यहाँ पर फेच हो जाएगा। यहाँ पर प्रूफ ऑफ पैन में आप नो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है, सिलेक्ट पर ओके करके हिमसेल्फ हरसेल्फ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, कितने डॉक्यूमेंट आप करेक्शन के लिए लगा रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम आधार कार्ड लगा रहे हैं करेक्शन के लिए, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर में आप एक डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लेस में अपनी सिटी का नाम डालेंगे, और उसके बाद सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने फाइनल प्रीव्यू दिखाया जाएगा, इसमें आपको अपनी डिटेल्स को कंप्लीट चेक करना है, जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो सभी डिटेल्स आपकी सही है या नहीं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड नंबर के शुरू के 8 डिजिट डालने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पूरी डिटेल्स चेक करनी है, जैसे कि नेम, DOB वगैरह। यहाँ पर देखिए, हमारा DOB वाला बॉक्स ये चेक है, ये हमें करेक्शन करना है। एड्रेस आपका चेक रहेगा, ये भी आपका हर बार नया अपडेट होता है, इसको भी आप अनचेक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे आधार कार्ड में एड्रेस है वही यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा, और वही हमारा अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर हमें अपना टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी अपडेट करना है, ये भी हमने चेक किया है। तो यहाँ पर आपको अपनी पूरी डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर कहीं भी कोई मिस्टेक लगती है तो आप यहाँ एडिट पर ओके करके उसको एडिट कर सकते हैं, और अगर आपकी सभी डिटेल्स बिल्कुल सही है तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको प्रोसीड करेंगे। अब आप पहुँच जाएंगे पेमेंट वाले मेथड पर, यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं पेटीएम के थ्रू, और आप बिल डेस्क के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पेटीएम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर टोटल जो हमें पेमेंट करना है GST के साथ में वो है 106.90 रुपये, यही आपकी टोटल फीस रहेगी जो आपको पे करनी होगी। यहाँ पर आई एग्री करेंगे, उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट, इसको कन्फर्म करेंगे। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अपने पेटीएम के वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं, या आप चाहें तो QR कोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करने वाले हैं। सिंपली आपको अपना पेटीएम फोनपे जो भी आप यूज़ करते हैं उसको ओपन करना है और इस QR कोड को स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद जैसे नॉर्मली पेमेंट को पे किया जाता है उस तरीके से आपको पेमेंट को पे कर देना है। पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पर आपको बस वेट करना है, ऑटोमेटिक ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सक्सेस का स्टेटस हमें दिखा दिया है। अब आप इसको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, कंसेंट देंगे, उसके बाद ऑथेंटिकेट करेंगे। अब हमें अपना EKYC कंप्लीट करना है तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे। अब एक OTP आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर सेंड किया जाएगा। OTP डालने के बाद सबमिट करेंगे, EKYC कंप्लीट हो चुका है। अब आपको e-sign वेरीफाई करना है, ये फाइनल स्टेप है हमारा, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर कंसेंट देंगे, उसके बाद अपना वर्चुअल ID नंबर VID नंबर डालेंगे या फिर आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद सेंड OTP करेंगे। अब फिर से एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा जो आधार कार्ड पर लिंक होगा। OTP डालने के बाद वेरीफाई करेंगे और फाइनली हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर देखिए एक PDF हमें देखने को मिलेगी, इस PDF को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, आप इसको यहाँ से डायरेक्ट ओपन करके भी देख सकते हैं। इस PDF फाइल में आपको एक पासवर्ड देखने को मिलेगा, पासवर्ड का फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2001 तो आपको यहाँ पर 01/01/2001 डालना होता है बिना किसी स्पेस और बिना किसी स्लेस के। यहाँ पर PDF को डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर इसको ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद ओके करेंगे। सो हमारी PDF ओपन हो चुकी है, यहाँ पर हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इस नंबर को भी आपको नोट करके रख लेना है। साथ ही ये स्लिप आपके ईमेल ID पर भी सेंड कर दी जाती है। आप इस एक्नॉलेजमेंट नंबर की हेल्प से अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आपके पैन कार्ड में करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या किसी कारण से अगर रिजेक्ट होता है तो वो भी आप पूरा स्टेटस चेक कर सकते हैं। वैसे रिजेक्ट होने के बहुत ही कम चांसेस है अगर आप इस एप्लीकेशन को सही से फिल करेंगे ऑनलाइन। अभी तक मैंने जितने भी एप्लीकेशन फिल किए हैं मेरा कभी भी आज तक रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो अगर आप भी सही तरीके से अपना एप्लीकेशन फिल करेंगे, कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो आपका भी रिजेक्ट नहीं होगा। स्टेटस ट्रैक करने के लिए आपको इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को कॉपी कर लेना है, उसके बाद आपको आना है इसी वेबसाइट के होम पेज पर। उसके बाद यहाँ पर नो स्टेटस ऑफ पैन, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमने पैन न्यू चेंजेस रिक्वेस्ट इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी हमें दिखा रहा है सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि अभी हमने एप्लीकेशन सबमिट किया है और यहाँ पर स्टेटस को अपडेट होने में 24 आवर्स का टाइम लग जाता है। तो इसलिए अगर आप नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद में चेक करेंगे तो आप अपना स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपका एप्लीकेशन फिल करते टाइम ब्राउज़र कट जाता है या नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप अपने एप्लीकेशन को कैसे कंटिन्यू करेंगे, तो उसके लिए भी आपको इसी वेबसाइट के होम पेज पर आना है। उसके बाद यहाँ पेपरलेस पैन एप्लीकेशन जहाँ से हमने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था इस पर ओके करेंगे। पहले हमने जो टोकन नंबर जनरेट किया था तो यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल के जनरेट किया था, बट अभी हम रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो यहाँ पर दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना टोकन नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे। तो आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ से भी आपका ब्राउज़र कटता है या आपका नेट डिस्कनेक्ट होता है। सो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपके पैन कार्ड का करेक्शन 2 आवर्स से लेकर 48 आवर्स के बीच में हो जाता है, और करेक्शन होने के बाद आपके पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाती है, जिसको आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। और आपके पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी आपके एड्रेस पर बाई पोस्ट विद इन 10-12 working days में सेंड कर दी जाती है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। पैन कार्ड से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी या फिर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।